आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महंगाई की मार झेल रहे लोगों की जेब पर और बोझ बढ़ सकता है। खाने वाले तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले दिनों सरसों, सूरजमुखी समेत खाने वाले अन्य तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली, पामोलिन के भाव में तेजी देखने को मिली है। वहीं बाजार सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में 5.5% की तेजी देखने को मिली, वहीं शिकागो एक्सचेंज में लगभग 1.25% की मजबूती रही। विदेशी बाजारों में आई तेजी के कारण घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में ये उछाल आया है। सरसों तेल के रेट की बात करें तो पिछले सप्ताह के मुकाबले इस हफ्ते ये महंगा हो गया है। बीते सप्ताह के आखिरी दिन सरसों कच्ची घानी तेल का भाव 2405 से 2510 रुपये पर प्रति टीन पर यह बंद हुआ था। वहीं इस सप्ताह ये 20 रुपये प्रति टीन महंगा होकर 2425 से 2530 रुपये प्रति टीन पर बंद हुआ। इसी तरह सरसों पक्की घानी तेल की कीमत में भी 20 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं सरसों तेल दादरी भी 200 रुपये बढ़कर 15,300 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। वहीं इस बार सहकारी खरीद एजेंसियों के पास भी सरसों का स्टॉक नहीं है। सरसों की अगली फसल आने में अभी लगभग 8.5 महीने की देरी है। इस वजह से आगे जाकर त्यौहार के समय सरसों की दिक्कत बढ़ेगी। सरकार को किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए तेल तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की पहल करनी होगी। शुल्क घटने और बढ़ने से कोई स्थानीय समाधान निकलने की संभावना कम है। वहीं भारत ने मई के महीने में 6,60,000 टन पाम तेल का आयात किया था। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। कुछ दिन पहले ही तेल बनाने वाली कंपनी ने सरसों तेल की कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया था। हालांकि बढ़ती कीमतों को लेकर अभी तक कंपनियों की ओर से किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। वहीं भारत अपनी ज़रूरत का 60% से अधिक खाद्य तेल आयात करता है। भारत मुख्य रूप से अर्जेंटीना और ब्राज़ील से सोया तेल खरीदता है। इसी तरह यूक्रेन और रूस से सूरजमुखी तेल खरीदता है। यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का शिपमेंट फिलहाल बंद हो गया है। अब भारत रूस से अधिक आयात करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।